अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ रोड स्टाइल खास्ता समोसे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे आधा केजी उबला हुआ आलू। इसको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। फिर हम तेल में हींग का तड़का देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे एक चम्मच जीरा, एक चम्मच धनिया तड़के के लिए। इसको थोड़ा हम फटने देंगे। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए मसाला भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच कसूरी मेथी और साथ ही डाल देंगे 2 कटी हरी मिर्च। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब मैश किया हुआ आलू को इसमें डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे। हरी धनिया इसमें डालेंगे और भुना हुआ मूंगफली के दाने डाल देंगे इसमें। मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अब समोसों की पट्टी के लिए हम लेंगे 2 कटोरी मैदा। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन क्रश करके, आधा चम्मच डालेंगे नमक और इसमें 3 बड़े चम्मच तेल है, इसको हम डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम लेंगे गुनगुना पानी, थोड़ा थोड़े डाल के अच्छी तरह से कड़क आटा गूंद लेंगे। देखिए आटा गूंद चुका है। अब इसको हम 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको फिर से वापस थोड़ा सा मसल के गूंथ लेंगे। अब बड़े साइज का लोई लेंगे, इसमें हम छोटे छोटे कट कर लेंगे। अब एक लोई लेंगे इसको ओरल शेप में बेलेंगे इसको हम। देखिए ओरल शेप में बेल लिए। इसमें बीच से कट लगा लेंगे। इसी तरह से सारे पट्टी को बेल लेंगे हम। अब देखिए समोसे बनाने के लिए बीच पोर्शन से फोल्ड करेंगे, इसमें पानी लगाएंगे, फिर ये कोने से दूसरे पोर्शन लेंगे, इसको टैप कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको टैप करेंगे। फिर इसमें आलू का फिलिंग डालेंगे, ज़्यादा पूरा भर के नहीं डालेंगे, नहीं तो इससे समोसे फट जाती है। फिर ऊपर से हम पानी लगा देंगे। फिर ये दोनों पोर्शन को पकड़ के अच्छी तरह से इसको चिपका लेंगे। ये देखिए इसी तरह से सारे समोसे बना के रेडी कर लेंगे। अब फ्राई करने के लिए हम तेल को गरम करेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे तेल को, इसको ज़्यादा गर्म नहीं होने देंगे, नहीं तो समोसे करारे नहीं बनेंगे, जल जाएंगे। इसमें धीरे धीरे करके सारे समोसे डाल देंगे। अभी इसमें कलछी नहीं लगाएंगे। 5 मिनट तक इसको इसी तरह से पकने देंगे। अब थोड़ा थोड़ा इसको हिलाएंगे, धीमी आंच पे इसको पकाने से समोसे करारे बनते हैं। अब देखिए इसको उलट देंगे।
एक बार के समोसे तले में 8 से 9 मिनट लग जाते हैं। अब समोसे हो चुका है तैयार, अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे बैच का समोसे तल लेंगे। देखिए समोसे रेडी हो चुका है और इसको सर्व करेंगे हरी चटनी के साथ। देखिए मैं इसको एक तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही करारे बने हैं, एकदम रोड स्टाइल और बहुत मज़े के बने हैं। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।